अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, ये आपके सामने एडजस्टमेंट पुली है। इसकी हम फिटिंग करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट एल्कीज़ हैं, ये किस मकसद के लिए लगाई जाती हैं, कंप्लीट डिटेल से आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। किस तरीके से हम इसको RPM को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं ये भी बताएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जो जहाँ पर आपने लगाना है पुली को चेंज करना है वहाँ पर उसकी शाफ्ट का साइज़, उसके बाद इसकी जो ये मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, यानी कि ये जो शाफ्ट है इस मोटर की जगह पे हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। इसकी आपके पास शाफ्ट का साइज़ मौजूद होना चाहिए, शाफ्ट की लंबाई जिसके ऊपर आप कितनी लंबी आपकी पुली अंदर तक जाएगी, उसके बाद जो इसकी एल की जो की होती है बेसिकली शाफ्ट की, उसका साइज़ आपके पास मौजूद होना चाहिए। 3-4 साइज़ आपके पास मौजूद होंगे तो फिर आप इसके, ये आप देख रहे हैं हमने इसके शाफ्ट का साइज़ ले लिया, यानी कि पुली की इनर साइड का साइज़ ले लिया। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी लंबी है शाफ्ट वाइज जिसके ऊपर आपने पुली लगानी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे शाफ्ट की जो होती है उसका साइज़ आपने जिस पुली से चेंज करना है वो सेम होना चाहिए। अब हम इसको चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको आपने चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको खोलते हैं। इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसकी बेल्ट वगैरह उतार लेनी है, उसके बाद साइज़ मैंने आपको बता दिए कौन से होने चाहिए, उसके बाद आपके पास टूल मौजूद होने चाहिए। टूल के साथ साथ इसको मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसको खोलते हैं। खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास स्क्रू रेंच होना चाहिए जो इसकी शाफ्ट की है। सबसे पहले ये शाफ्ट के ऊपर जो हमारी बोल्ट है जो इसको ग्रिप करता है, पुली को ओपन नहीं होने देता, ठीक है। तो जो शाफ्ट की है उसको भी निकालेंगे फिर हम बाद में। तो इसको ये शाफ्ट की और उसके साथ ये एक बोल्ट होता है जो ग्रिप करता है आपको मोटर की शाफ्ट के साथ, तो इसको आप खोल लेंगे अच्छे तरीके से। तो जल्दी जल्दी खोल लेते हैं, हमने इसको उतार लिया। अब जो इसकी शाफ्ट की है, ठीक है, उसको भी खोलेंगे। ये आप देख रहे हैं, अब इसको लगाने से पहले आपने शाफ्ट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, उसके ऊपर जंग वगैरह ना हो, ताकि जो आपकी पुली है वो आसानी से बैठ जाए। हम इसको पहले साइज़ देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी नहीं लग रही इसके ऊपर, थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर सफाई करने वाली है इस वजह से इसके ऊपर। तो इसको आपने सबसे पहले इस तरीके से करना है, जो इजीली साइड होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एडजस्टमेंट पुली होती है, RPM अगर आपने कम ज़्यादा करने हैं तो आप इस पुली से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले थी वो फिक्स्ड RPM वाली पुली थी, उससे आप उसके RPM को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी ये नहीं कि ये कम ज़्यादा एट अ टाइम नहीं होंगे, लेकिन ये है कि जितने के आप इसकी सेटिंग करके रख देंगे उतने के ऊपर आपकी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये ग्रूव्स वाली हैं, इनको आप डाउन करते जाएंगे बेल्ट को तो ये RPM इसके कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आप ग्रूव्स को ऊपर करते जाएंगे, बेल्ट को ऊपर करते जाएंगे, बेल्ट बड़ी साइज़ की डलेगी तो उसके RPM बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम इसको ये देख रहे हैं, ये अभी इसके ऊपर नहीं चढ़ रही, इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। उसके लिए हमने इसकी जो की है शाफ्ट की उसको निकाल लिया, हल्का सा मोटर को चला के सैंड पेपर की मदद से बिल्कुल सफाई करनी है। अगर आप रेती वगैरह से करेंगे तो वो डैमेज हो सकती है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल एक नंबर साइज़ है जो सैंड पेपर का, उसकी मदद से आपने इसका सिर्फ जो ऊपर जंग वगैरह है उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी आपको अलाइनमेंट भी करके दिखाऊंगा लास्ट में, किस तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का AHU वगैरह लगा हुआ है, बेल्ट ड्राइव आपके पास AHU है, तो आप किस तरीके से शाफ्ट के इसको, उसके बाद हम इस पुली को लगा देंगे। सामने की साइड पे इसके एक स्क्रू बोल्ट लगेगा जिसकी मदद से आप इसकी पुली की मज़ीद ग्रिप को कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको बंद कर दिया मोटर को, ये आपके सामने बंद हो गया। अब हम इसको हल्की सी लुब्रिकेंट लगा देंगे, ग्रीस लगा के साथ में जो शाफ्ट की है उसको भी फिनिशिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ख़ास तौर पे जो आपके HVAC के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस तरह की वीडियोस शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम सबसे पहले जो शाफ्ट की है उसको लगा लेंगे। तो इसको आपने बिल्कुल लेवल पर रख के लगाना होता है, ना आपकी शाफ्ट की बाहर होनी चाहिए शाफ्ट से, ना अंदर की साइड पे होनी चाहिए। तो अभी हम इसको लगा रहे हैं, उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये आपके सामने हमने इसको हल्की सी ग्रीस लगा ली ताकि जो हमारी पुली है वो फ्रीली इसके ऊपर, हमें ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत ना करनी पड़े। अगर आप हीटिंग करेंगे तो आपको पता है कि मोटर ऑन द फाउंडेशन पे है, बोल्ट्स
तो ये जो आपकी बैक प्लेट के ऊपर आपका सारा जो फोर्स जाएगी इसकी, तो वो टूटने के चांसेस हो सकते हैं, आपकी मोटर डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले यही करना है कि जितना कम से कम जोर लगे, हैमरिंग हो जितनी कम से कम हो। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारी ये बिल्कुल इजीली इसके ऊपर चढ़ जाएगी पुली। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो इसके अंदर की पुली हैं, एल्कीज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस मकसद के लिए होती हैं। ये आप देख रहे हैं, अब जो एल्की अंदर की हैं वो इसकी शाफ्ट के ऊपर ग्रिप करेगी। तो ये आपके सामने ये हमारी पुली है, वो तकरीबन आपने इसको अलाइनमेंट के सामने रख के कर लेना है। अगर आपने पुल करनी है ज़्यादा पीछे चली जाए, तो आप पुलर की मदद से आप इसको आगे की साइड पे खींच सकते हैं। अब हम इसको, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपनी जगह पे आ चुकी है अलाइनमेंट। अब आपने सबसे पहले इन एल्कीज़ को लूज़ करके, अगर आपकी जो पुली है वो आगे की साइड पर नहीं जा रही, तो आप इनको, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसकी बेल्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इनको आपने बिल्कुल फ्री कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, अब ये बेल्ट हमारी बड़ी हो जाएगी इस तरीके से। हम इनको खोल लेंगे, इनके ये तीन प्लेटों वाली पुली, बल्कि ये एडजस्टमेंट वाली पुली होती है, तो जहाँ पे आपने रख के इसकी बेल्ट की अलाइनमेंट करनी है, आप इसको कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारी ये पुली अपनी जगह पर आ चुकी है, तो सबसे पहले आपने इन एल्कीज़ को टाइट कर देना, ताकि शाफ्ट के साथ इसकी ग्रिप हो जाए। ठीक है, इसकी ग्रिप होने के बाद आपने इसको फिर अपनी जगह पे, जो इसकी ऊपर की जो प्लेट्स हैं, जिनको जिनकी मदद से आपने इसके एडजस्टमेंट करनी है, फिर उनको आप टाइट कर दें। तो जल्दी से मैं आपको इनकी जितनी भी तकरीबन इसके अंदर 6 एल्कीज़ हैं जो आपने टाइट करनी होती हैं, तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इनको जल्दी से टाइट कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी फास्ट करने का मकसद यही है कि भाई टाइम की बचत हो जाए। तो अब हम इसको जल्दी से, तमाम एल्कीज़ हमने टाइट कर लिए हैं, अब हम इसकी अलाइनमेंट किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो टाइट किया वो प्रॉपर अलाइनमेंट के मुताबिक किया है, लेकिन फिर भी अगर आपने सली करनी है, या आपने इसको टाइट करने से पहले इसकी अलाइनमेंट वगैरह चेक करनी है, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप एक डोरी की मदद से आपने इसको, जो ग्रूव्स हैं उनके, जो कॉलर हैं उनके ऊपर आप इस तरीके से रख के आप इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, चैनल का विज़िट करके वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसकी एक डोरी की मदद से अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम बेल्ट को चढ़ाएंगे दोबारा। ये आप देख रहे हैं, इसकी हमने इसको फुल साइज पे रख के किया है, आरपीएम हमें इसके ज़्यादा करने हैं। अगर आपने इसके आरपीएम कम करने हैं तो आप इसको डाउन कर लें, अगर आपने आरपीएम कम करने हैं। इन एल्कीज़ को खोल के आप इसकी प्लेट्स को आप आगे पीछे करके आप आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से वीडियो, ये आप देख रहे हैं इसका साइज़ छोटा था, तो इसके ऊपर हमने अभी इसकी ये 4 इंच की पुली थी वो हमने 6 इंच की पुली यूज़ कर ली, और उसको फुल पे रख के करेंगे, तो इसके अंदर हमें बेल्ट भी चेंज करना पड़ेगी, बेल्ट का साइज़ भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसकी अब जो मोटर के फाउंडेशन के बोल्ट हमने लूज़ किए थे, जाहिर सी बात है इसको आपने एडजस्टमेंट करनी है, टाइट करना है, तो उसी हिसाब से अलाइनमेंट वगैरह करनी है, तो तमाम बोल्ट हमने टाइट करने अच्छे तरीके से।